हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल साइंस फाउंडेशन। तो देखिए, काफी ज्यादा स्टूडेंट जो हैं वो कमेंट कर रहे थे कि सर, काफी दिनों से क्लासेज आपकी नहीं देखने को मिल रही है चैनल पे। और आपकी बात भी सही है कि पिछले एक महीने के अंदर मैंने मात्र अपने चैनल साइंस फाउंडेशन पर मात्र 10-15 वीडियो डाली होगी, ज्यादा वीडियोज नहीं आई है। तो उसका एक रीजन था जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि थोड़ा सा जो है मेरी तबीयत भी डाउन थी। और दूसरा, आपको देखिए पीछे आपको दिख रहा होगा, ये एक सेटअप जो है मैं तैयार किया था। तो इसके अंदर काफी दिन लग गए, 4-5 दिन लग गए सेटअप तैयार करने में, जिसमें अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अब जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन बीएससी वालों के लिए आती है, जैसे कि एग्जाम डेट, इसका अपन को इन्फॉर्मेशन जो है नहीं रहता था। और जैसे कि आप भी कमेंट करते थे कि सर, 2023 के अंदर जो है हमारी एग्जाम कब होगी, और जो अपन हमको पेपर देखने को मिलेगा वो पूरा 100% सिलेबस वाला आएगा, या फिर 2022 की तरह वो 50% आएगा। तो इनको तो मैंने एक वीडियो बना दी है, उसके अंदर आपको मिल जाएगा कि पेपर किस टाइप से देखने को मिलेगा। परंतु आज की वीडियो इसके अंदर बात करेंगे। मैंने आपके लिए एक वेबसाइट क्रिएट की है जिसका नाम है sciencefoundation.com, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। इसको सबसे पहले आपको जो है ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपके पास कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुल के आएगा, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो देखिए, यहाँ पर जो ये होम पेज है, यहाँ पर बीएससी फाइनल ईयर, ये पहली ही पोस्ट है बीएससी फाइनल ईयर सप्लीमेंट्री, जो एग्जाम वगैरह थी उनकी इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे ये दे रखी है, जो कि आपको स्क्रीन पर अच्छे से देख लीजिए। फिर सेकेंड पोस्ट है, कांच को अतिशीतित द्रव क्यों कहते हैं। और जैसे जैसे आप नीचे जाओगे, बीएससी फाइनल ईयर फर्स्ट ईयर, इनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वगैरह आपको देखने को मिलेंगे। अब देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात बताऊं, जैसे फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है, कोई फाइनल ईयर का है, कोई सेकेंड ईयर का है, तो वो इस वेबसाइट पे अपने नोट्स और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कैसे देखेगा, वो सब कुछ इस वीडियो में देखेंगे अपन। तो सबसे पहले यहाँ पर दिख रहा है आपको 3 डॉट का जो है आइकन दिख रहा है, इस पर अपन क्लिक करेंगे। फिर यहां से दिख रहा है होम, जिसपे आपको जाना नहीं है, आपको बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर। जैसे आप फर्स्ट ईयर में हैं तो आप बीएससी फर्स्ट ईयर पर क्लिक करोगे, तो इस तरीके से कुछ एड वगैरह आएंगे, उनको हटा सकते हो आप यहां से। और फिर देखिए, आपको यहां पर खुल गया बीएससी फर्स्ट ईयर जूलॉजी फर्स्ट पेपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो इसके अंदर जैसे कि यहां से इनके आंसर भी मिलेंगे आपको, जैसे कि यहां पर देखिए पहला ही क्वेश्चन है, ओकाजाकी खंड क्या होता है। तो यहां पर इसका आंसर जो हो गया वो हो गया, डीएनए पुनरावृत्ति में डीएनए के लैंगिक स्ट्रैंड जो है 3-5 स्ट्रैंड पर डीएनए 5-3 दिशा में छोटे छोटे खंडों के रूप में संश्लेषित होता है, और इन खंडों में 1000 से 2000 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, जिन्हें ओकाजाकी खंड कहते हैं। तो इस तरीके से आप नीचे तक यहां पर देख सकते हो आप, काफी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और फर्स्ट ईयर के नीचे काफी, जैसे नीचे जाओगे तो देखो यहाँ पर फर्स्ट ईयर जूलॉजी फर्स्ट पेपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिल गया, और इससे नीचे जाओ यहाँ पर देखिए रैंडम पोस्ट मिल जाएगी, मोस्ट पॉपुलर पोस्ट मिल जाएगी। तो इस तरीके से फर्स्ट ईयर वालों का भी यहाँ पर मिलेगा, सेकेंड ईयर वालों का भी मिलेगा, और फाइनल ईयर वालों का भी यहाँ पर मिलेगा। अब फर्स्ट ईयर का हो गया, अपन देखते हैं आप सेकेंड ईयर। जब फिर से आपको क्या करना है, 3 डॉट पे क्लिक करना है और सेकेंड ईयर पे दबा देना है। सेकेंड ईयर पे दबाओगे तो देखिए यहाँ पर ओपन हो चुका है आपके सामने बीएससी सेकेंड ईयर जूलॉजी थर्ड पेपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2022-23। और यह आपका जो पेपर होगा 2023 के अंदर, सेम उसी के आधार पर मैंने जो है यहाँ पर बनाया है, क्योंकि मुझसे काफी कमेंट कर रहे थे कि सर जो है हमें इनकी पीडीएफ चाहिए। तो भाई, पीडीएफ देने के लिए आपको या तो टेलीग्राम चैनल खोलना पड़ता है या फिर जो है कुछ और करना पड़ता। तो मैंने यहाँ पर वेबसाइट एक क्रिएट कर दी है, यहाँ पर क्या है आपको काफी अच्छे कंटेंट देखने को मिलेंगे, तो आप जो है आराम से यहाँ से पढ़ सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर एक फायदा है आपको कि आपको यहाँ पर इंग्लिश में भी मिलेगा और हिंदी में भी, काफी स्टूडेंट होते हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखते हैं वो, तो इंग्लिश में भी मिलेगा। व्हाट इज इनेक्ट इम्यूनिटी, स्वभावज प्रतिरक्षा क्या होती है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। सेम पेपर की तरह पेपर है आपका। और यदि आपको मान लीजिए वेबसाइट पर ये क्वेश्चन पसंद आते हैं, तो इनकी वीडियोज आप देखना चाहते हैं, तो आप यूट्यूब पे जा सकते हैं, नीचे वीडियोज हैं, यूट्यूब पे आराम से आप देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा कि वेबसाइट पे कैसे जाना है, किस तरीके से क्या करना है। तो
आपको वेबसाइट पर विजिट होने के लिए कोई भी शुल्क नहीं देना पड़ेगा, बिल्कुल निःशुल्क है, फ्री है, आराम से वेबसाइट पे पढ़ो। और आजकल की जो है जनरेशन के अनुसार क्या है, यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह जो है कम देखते हैं, टाइम बर्बाद होता है, तो वो क्या होते हैं पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो जैसे अपन जो जो है अपने लैपटॉप पे भी खोल लें, मान लो उसको sciencefoundation.com, उसको खोल लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस वीडियो में, वहां से खोल के आप आराम से जो है पेपर पढ़ सकते हो, लैपटॉप फोन वगैरह किसी पे भी, ज्यादा डाटा आपका खर्च नहीं होगा वहां पर, वीडियो के अंदर काफी डाटा खर्च हो जाता है, वहां पे नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और जो ये वेबसाइट बनाएंगी ये भी आपके कुछ काम आएगी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, फिर आगे धीरे धीरे मैं आपके लिए कुछ नई नई चीजें जिससे कि आपको पढ़ने में जो है सरलता प्रदान हो प्रोवाइड करवाता रहूंगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।